क्या चाहिए, जैसे मान लो एक सर्किल है, सर्किल का कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, सर्किल इज अ 2D थिंग, करेक्ट, टू डायमेंशन में है ऐसा, करेक्ट। तो आपको एक मान लो इस सर्किल का ये सेंटर है, इस सेंटर से आपने एक एक लाइन का लेंथ लिया, ठीक है, एक लेंथ ऑफ एक कोई एक लाइन को फिक्स कर दिया, या एक लाइन को आपने फिक्स करके उसको, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला एंड, ये से रोटेट हो रहा है। तो देखो फिक्स एंड कौन सा है, आपको दिख रहा होगा जो सेंटर वाला जो पॉइंट है वो फिक्स एंड है, और इसको ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है। सो व्हेन यू रोटेटिंग इट लाइक दिस, तो जो फिगर बन के तैयार होगा वो कौन सा, उस फिगर को क्या बोलते हैं, क्लोज फिगर को, उस क्लोज फिगर को हम एक सर्कल बोलते हैं, करेक्ट ना। तो सर्कल का डेफिनेशन सबको मालूम होगा, बेसिकली यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये सेंटर वाला जो पॉइंट है, दिस इज फिक्स्ड, करेक्ट। तो जब आप एक प्लेन में इस पॉइंट को घुमाते हो तो आपको कौन सा फिगर मिलता है, आपको एक सर्कल मिलता है, ठीक है। अब समझो आप स्पेस में घुमा उसी उसी इसी लाइन को, ये जो लाइन को, ये वाला पॉइंट को मैंने रोटेट किया था ना, दिस वाज नॉट, दिस पॉइंट वाज रोटेटिंग अबाउट अबाउट दिस प्लेन। तो अगर आप किसी पॉइंट को इस पूरे स्पेस में घुमाते हो कीपिंग लेंथ कांस्टेंट, ठीक है, तो जो फिगर आपको बनता है वो कौन सा फिगर है, वो स्फीयर है। तो स्फीयर का डेफिनेशन क्लियर है क्या सबको, स्फीयर बनता कैसे है, यस टेल मी, यस, स्फीयर का यस डेफिनेशन क्लियर है ना सबको। तो ठीक है, तो विल जस्ट ट्राई टू ड्रॉ स्फीयर। तो सपोज, तो स्फीयर याद रखो, स्फीयर इज अ थ्री डाइ ये तीन तीन डायमेंशन का फिगर होता है स्फीयर, करेक्ट। तो अभी देखो, इस स्फीयर में मैं एक्स वाई जेड एक्सिस को प्लॉट बना सकता हूँ। तो समझो ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, लुक्स लाइक एक्स एक्सिस, और ये मेरा जेड एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे, तो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्स वाई जेड एक्सिस, तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक स्पेस में जो फिगर बन के आता है, दैट इज बेसिकली अ स्फीयर। तो अगर आप इसको यहाँ पर लेके जाओगे, बेसिकली एस एस को यहाँ पर एस एस लेके जाओगे, तो ये माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये देखोगे तो ये माइनस एक्स होगा आपका, और इसी तरह ऐसा देखोगे तो ये कौन सी माइनस एक्स है। तो आपको देखो एक 3D का फीलिंग आ रहा है क्या यहाँ पे, आर यू गेटिंग अ फीलिंग ऑफ 3D हियर, यस प्लीज टेल मी, आपको 3D टाइप का फीलिंग आ रहा है क्या यहाँ पे। यस सर, ओके, यस, तुम्हें तो मतलब मैंने एक ऐसा पैच लिया है यहाँ पे, और मैं इसको सेंटर से भी ज्वाइन करूंगा, डिफरेंट कलर, ये सेंटर है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल को देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट इज वेरी सिमिलर टू योर दिस थिंग ओनली, इट्स आल्सो सॉलिड एंगल इज वेरी सिमिलर टू योर दिस थिंग, और पीछे का एक ये आएगा, तो देखो एक कोन टाइप का बन रहा है ना। यस पीछे के साइड में बन जाएगा, ठीक है। तो ये कोन टाइप का एक बन रहा है, तो अगर आप जो लास्ट वाला मैंने बनाया था, आप इमेजिन करो मैंने इस पॉइंट को भी सेंटर से कनेक्ट कर दिया है, इस पॉइंट को भी इमेजिन करो मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो एक कोन टाइप का बन जाए, ओके। तो मैं ज्यूमिंग इतना पार्ट सबको क्लियर है, ठीक है। तो देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, देखो तो पहले तो हम देखते हैं रेडियन वाला जो एंगल हमने देखा था, एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियंस क्या था, व्हाट वाज रेडियन वाला एंगल, आर्क लेंथ,
अपॉन रेडियस ना। यहाँ पे देखो आर्क लेंथ एक ये वन डायमेंशन या टू डायमेंशन में आप बोल सकते हो, आर्क लेंथ विल बी ऑलवेज इन टू डायमेंशन, रेडियस कैन ऑल्सो बी इन टू डायमेंशन। अब सॉलिड एंगल के लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है आपका, अब इसको आप क्या बोलोगे, ये वाला जो पार्ट है बेसिकली दिस एरिया, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, किसका एरिया, एरिया ऑन स्फीयर। समझ में आ रहा कैसे ले रहा हूं मैं एरिया ऑन स्फीयर, यू आर गेटिंग हाउ आई एम टेकिंग एरिया ऑन स्फीयर, ठीक है? यस करेक्ट। सॉलिड एंगल इज बेसिकली दिस, इसको प्लीज इसको जस्ट जल्दी से आपकी नोटबुक्स में लिख लो, सॉलिड एंगल क्या होता है। तो इसमें किसी, तो अभी बताओ मुझे एक एक स्फीयर जो है, अभी देखो ये अगर मैंने यहाँ पे बात करी एक सर्कल, सर्कल को अगर मैंने पूरा घुमा दिया तो मैंने आई व्हाट एल्स से सर्कल हैज रोटेटेड 2 पाई रेडियंस, करेक्ट? ठीक है ना, अगर मान लो मैंने एक सर्कल लिया इसको और लेट्स से उसको मैंने यहां से बिगिन किया और उसको पूरा घुमाया मैंने, इस एरो को मैंने पूरा घुमा के ऐसे यहां तक ले आया, तो कितने रेडियंस हो जाएगा, दिस एंगल विल बी हाउ मच, दिस थीटा इज हाउ मच, 2 पाई रेडियंस ना। उसी तरह अगर मान लो मैंने स्फीयर में पूरा घूम के आया, पूरा ऑल द पॉइंट्स हैव कनेक्टेड, तो मेरा टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा स्फीयर के लिए, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है स्फीयर के लिए टोटल सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्फीयर मालूम है आप लोगों को कितना होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर, मेंसुरेशन पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं? सर 4πr। यस, तो अगर आप देखोगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है ना वो होता है 4πr², करेक्ट? तो अच्छा सॉलिड एंगल का जो साइन होता है वो मैं बताना भूल गया आपको, दिस इज दिस साइन, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सॉलिड एंगल, ये ओम का भी साइन है विच इज ऑल्सो यूज फॉर रेजिस्टेंस, तो सॉलिड एंगल के लिए हम क्या बोलेंगे, तो टोटल एरिया कितना है मेरे पास, 4πr², इसमें टोटल एरिया डिवाइडेड विथ r² कैंसल्स, कितना बचा मेरे पास 4π, ठीक है? तो टोटल स्फीयर के पास जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, 4π होता है, ठीक है?